जी दोस्तों, मैं जो बाबा ग्नोश बना रहा हूँ, एक अरेबिक स्प्रेड है, ठीक है, इसे कह लें अरबी भरता कह लें, तो उसके लिए मैंने दो बैंगन जो हैं मैंने लिए छोटे साइज़ के, एक मैंने कर लिए और एक जो है मैं इसे इस तरह सुबह के ऊपर मैंने झुका के और बैंगन को मैं रोस्ट कर रहा हूँ फुल तेज़ आंच पे घुमा घुमा के, इस तरह आपने करने रहे हैं। उसके बाद इसे पानी में डाल के तो इसके छिलके उतार लेने हैं, फिर उसके बाद हम इसका बाबा ग्नोश बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज कल हमारे इधर साउथ एशिया में भी और इवन दैन यूरोप में तो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है, तो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी अरेबिक डिशेस बहुत मशहूर हो रही हैं और मिडल ईस्टर्न जितनी भी कुजीन है तो यहाँ पे बहुत पॉपुलर हो रही है, लाइक शवारमा, पराठा रोल, कबाब, अरेबिक चावल, ठीक है। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको अरेबिक काफ़ी चीज़ें बताऊँगा मिडल ईस्टर्न। तो आज मैं आप लोग के लिए अरबी भुरता लेकर आया हूँ, जिसे उनकी अपनी ज़बान में बाबा गनोश कहा जाता है, कि बाबा शाबा नहीं, साई नहीं, तो इसका नाम बाबा गनोश है। दोस्तों ये समर के लिए बहुत अच्छी डिश है और बहुत मज़ेदार बनती है, यमी है, ठीक है, ये एक डिप है। तो आप इसे पीटा ब्रेड के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, पराठा या इवन दैन सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, मैंने पूरी तैयारी करके यहाँ पर रखी हुई है। तो मैंने आपको जो है बैंगन का पिछले दिनों भरता बनाना सिखाया था, वही टेक्निक है, थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले बैंगन लेके दो या तीन, ठीक है, तो उसे आपने रोस्ट करना है चूल्हे के ऊपर, सुबह के अंदर आप इंसर्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इस्तेमाल वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ओरिजिनल रेसिपी में वो कच्चे लहसुन डालते हैं, तो हमारे यहाँ पर लहसुन की स्मेल को बहुत बुरा समझा जाता है, तो इस वजह से मैंने लहसुन को रोस्ट कर लिया। मैंने तीन लहसुन लिए, तीन कलियाँ, तीन जवे लहसुन के लेके इसे मैंने छोटा छोटा काट के इसे मैंने रोस्ट कर लिया एक चम्मच तेल में। दो मैंने बैंगन लेके इसे रोस्ट कर लिए, ठीक है, मैंने आपको बीच में बता भी दूंगा तरीका कैसे करना है। मैंने दो बैंगन लेकर धो के उसे सुबह में परो के और स्टोव के ऊपर, चूल्हे की आग के ऊपर मैंने इसे रोस्ट कर लिया, फिर इसके ऊपर से छिलका उतार लिया और इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा लेमन जूस। अगर आपको कम पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा, मुझे ज़्यादा पसंद है खट्टा, तो इस वक्त मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। 1/4 में जाएगा सॉल्ट, 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे एक ख़ास फ्लेवर आएगा। और ये तहीनी सॉस है, मैंने आपको ये बनाना सिखाई हुई है, अरेबिक डिशेस का एक बुनियादी जुज़ है, लाइक शवारमा के लिए, शवारमा सॉस के लिए, बाबा गनोश के लिए और हमूस वगैरह के लिए। मैं हमूस बनाना भी आपको सिखाऊंगा। ये 2 से 3 टेबलस्पून हम इसे इस्तेमाल करेंगे स्टेप में, और जब हमारी प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगी तो हम ये खालिस ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे मैं बनाऊंगा ब्लेंडर में, आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर के ज़रा अच्छा स्मूथ होगा, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले बैंगन डाल दें, तो 1/4 salt, नमक अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको पसंद है। हमूस के हम डालेंगे 2 से 3 टीस्पून जितना आप पसंद करते हैं, मैं 3 डाल रहा हूँ। उसके बाद लहसुन 12, ये दही, और ये लेमन जूस, और अच्छे तरीके से दोस्तों से ब्लेंड कर लेंगे। दोस्तों से एक से दो मिनट करने हैं हमने ब्लेंड, फिर मैं इसे निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसे वैसे भी मैश करके भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा स्मूथ पसंद है ये।
लें जी दोस्तों हमारा ब्लेंड हो चुका है, तो हमारा बाबा ग्रोश तैयार है। अब हम इसके थोड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे। इसके अंदर इसके ऊपर क्या क्या जाएगा, ये ऑलिव ऑयल है, 1 टेबल स्पून की क्रीम इसके ऊपर डालूंगा, स्प्रेड करूंगा ऐसे। और दोस्तों ये टोटली ऑप्शनल है, मिक्स अरबिक है इटालियन, थोड़े से मैं ये ऊपर छिड़कूंगा। दोस्तों मिडिल ईस्टर्न जो रेसिपीज़ है बहुत हेल्दी होती हैं, ठीक है, आपको एनर्जी बूस्ट करती हैं, तवानाई बहुत ज़्यादा देती हैं, थोड़ी सी गर्म होती हैं, तो ये जो स्प्रेड है डिप है ये बेस्ट है। आप नान के साथ खाएं, पीठा ब्रेड के साथ, तो इसका मज़ा ही दुबला है, या ब्रेड टोस्ट करके आप इसे खाएं, आपको ये बहुत मज़ा देगी बाबा गनोश, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, सिंपल सी है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, और मेरे दोनों चैनल के आइकॉन को, जो बेल आइकॉन है उसे लाजमी हिट कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों मुझे ज़्यादा नहीं होगी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।